शाहरुख खान एक हिजड़ा है, मैं तो इन खानों को हिजड़ा बोलता हूँ। धर्मों को टारगेट करके हम नहीं देखेगा उनकी मूवी, ऐसे धर्म भाड़ में जाए। टंकी मंकी और ये पागलपंती भी है साथ में, हिजड़ा है ही। ये क्या हिजड़ा लग रहा है? ये चारों के चारों हिजड़े हैं। जो हमारे धर्म को टारगेट करता मैं उनको इंसान नहीं बोलता। डंकी वर्सेस सल्लार कौन मार रहा है बाजी, अपने शब्दों में आप बताएं। सर सल्लार ही मारेगी डंकी को, अब देखने लोग समझ गए हैं, इन लोगों को इनकी निष्ठता को समझ गए हैं। खान परिवार की पेशावर में पैसा बांटना, यहाँ बांटना वहाँ बांटना, हमारे देश में आबादी अभी जमुना में बाढ़ आई थी, इनने एक रुपया नहीं दिया। हमारे किसी धर्मों में ये पैसा नहीं देता, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले हैं और ये हर जगह वही टारगेट बनाते हैं जहाँ हमारे धर्म होते हैं। तो हमने बिल्कुल नहीं देखनी भाई, अब हाथ जोड़ के विनती है अपना धर्म बचाओ और इन खानों की मूवी देखना बंद करो। शाहरुख खान से क्या प्रॉब्लम है? सर शाहरुख खान एक हिजड़ा है, मैं तो इन खानों को हिजड़ा बोलता हूँ। हाँ। क्योंकि हमारे धर्मों को टारगेट करना, हमारे धर्मों को मजाक करना, ये हिजड़ा है ही। ये क्या हिजड़ा लग रहा है? ये चारों के चारों हिजड़े हैं। जो हमारे धर्म को टारगेट करता मैं उनको इंसान नहीं बोलता। जो मेरा देश का, देखो सन्नी देओल मेरा देश का है, वो कट्टर है, उनको मानता हूँ मैं। सन्नी देओल को मैं उनका फैन हूँ, मैं इनका फैन नहीं हूँ, मैं इनकी मूवी देखने ही नहीं जाता, मैं इनको पहचानता नहीं है कौन, ये आते कहाँ से हैं। अगर जिस दिन हमारा देशवासी इन लोगों की पिक्चर देखना बंद कर देगा ना, एक आम आदमी के तना शाहरुख खान और ये खान, जो सैफ अली खान जिन्होंने तैमूर नाम रखा है, हमारा देश का अपमान करने के लिए अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है, ये देख लो। टंकी ब्लॉकबस्टर होने वाली है सर, टंकी आने वाले टाइम में आज चलेगी, क्योंकि ये ऐसी मूवियाँ बनाते हैं जिसमें पैसा लगाया जाता है दिखाने के लिए। हाँ। बनाया तो जाता है पर अब ये पैसा लगा रहे हैं दिखाने के लिए। हाँ। क्योंकि जनता जाग गई है, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और जल्द से जल्द बनने वाला, हर हिंदू जागेगा और इनकी मूवी देखना बंद करेगा। जो हमारे धर्मों को टारगेट करेगा, हमारे धर्मों को टारगेट करेगा, हम नहीं देखेगा उनकी मूवी, ऐसे धर्म भाड़ में जाए। जो हमारे धर्मों को निष्ठता दिखाते हैं, हमारे आस्था को ठेस पहुँचाते हैं, ये खान फैमिली है जितनी, हमारा जो भी हीरो निकलता है, एक गुलशन कुमार आप जानते होंगे, गुलशन कुमार को इन्होंने टारगेट करके मारा। क्यों खानी, जो बॉलीवुड में खानी चलते हैं, क्यों खान परिवार, हर खानी चलता बॉलीवुड में, क्यों चलता खान? आपको लग रहा है डंकी नहीं शाहरुख की नौटंकी है? डंकी मंकी और ये पागलपंती भी है साथ में। ये पागलपंती है, ना देखे टाइगर ना देखे डंकी। आज अगर धर्म बचाना है तो इनकी मूवी एक आम जनता को दिखा दो, जनता को दिखाओ इनकी रोड पे औकात दिखाना है। ये रोडों पे चलते हुए एक आम आदमी के तरह चलेंगे अगर इनकी, जिस दिन हम धर्म से मूवी देखना बंद करेंगे, क्योंकि हम अब नहीं सहेंगे। बहुत सह लिया, 70 सालों से सह रहा है हिंदू परिवार, हर देशवासी सह रहा है इनका जुल्म, अब नहीं उठाएंगे हमारे। ये बताइए सल्लार क्यों इतनी आपको पसंद है, प्रभास क्यों इतना पसंद है? सर मुझे पसंद है, देखो हम हिंदुओं की मूवी देखने जाएंगे, हम अपने धर्मों की मूवी देखने जाएंगे, जो हमारे धर्म को अच्छा दिखाए और टारगेट अच्छा करा वो मूवी हम देखेंगे, हम अपने संस्कृति से प्यार करेंगे। अब प्रभास हिंदू है सर? हिंदू है सर, बताओ क्या काम करा उन्होंने? अच्छे अच्छे काम करे, उन्होंने अच्छी मूवी बताई, हमारे धर्मों को टारगेट नहीं बनाया कभी भी। हाँ। जो बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड के इशारे पे ये सलमान खान शाहरुख खान इनके कहने पे मूवियाँ बनती हैं, ये जिस शॉट को कट मार दे वो कट होते हैं। डायरेक्टर का रोल बस होता है पैसा लगाना, मूवी बनाने का रोल इनका होता है, हीरो का रहता है, हीरो का क्या, डायरेक्टर भी यही होते हैं हर चीज में। प्रभास में क्या पसंद है? सर प्रभास में मुझे देखो एक्टिंग अच्छी करता है और हिंदूवासी उनको देखना चाहता है, साउथ की मूवी अच्छी होती है, जो साउथ वाले लोग बनाते हैं वो धर्म पे बनाते हैं। कि तो आपको क्या लगता है सल्लार बनाम डंकी कौन मारेगा बाजी, अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।